मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पुलिस ने नकली नोट बनाने और चलाने वाले एक शख्स को पकड़ा है और इससे नकली नोट भी बरामद किए हैं। इस शख्स ने YouTube देखकर नकली नोट बनाना सीखा। विंध्यनगर पुलिस ने नकली नोटों का कारोबार कर रहे आरोपी दिनेश साकेत उर्फ चिंटू को गिरफ्तार किया है। विंध्यनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि डोंटी गाँव में नकली नोट की खेप पहुँचाई जा रही है। इस सूचना पर आरोपी चिंटू साकेत को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 100 और 200 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। आरोपी ने बताया कि उसने YouTube देखकर नकली नोट बनाने का तरीका सीखा और खुद ही प्रिंटर के माध्यम से नोट तैयार करने लगा। पुलिस ने आरोपी के घर से एक रंगीन प्रिंटर, लैपटॉप और नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण को जब्त किया। आरोपी के पास से कुल 38,400 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए, जिसमें 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट शामिल हैं। अभी आरोपी इसमें एक ही है, चिंटू दिनेश साकेत, 25 वर्ष का है, पिता अयोध्या साकेत, रहने वाला बनौली खुटार का है। ये जो है घर में ही YouTube से सीख करके लैपटॉप और प्रिंटर का इस्तेमाल करके 100 के, 200 के और 500 के और कुछ कुछ 50 के डिनोमिनेशन के नोट्स जो है निकाल के बाजार में बनाने की कोशिश कर रहा था। बच्चों का लगभग 7-8 दिन पहले ऐसी सूचना मिली तो तत्काल जो है बच्चों के माध्यम से इस तक पहुँचा गया और इसके घर से प्रिंटर, लैपटॉप और साथ में 100 के 110 नोट, 500 के 4 नोट, 200 के 127 टोटल इतने नोट जो है लगभग 39,000 पूरा बजट उठाया है, उसको जब्त किया गया और इस आदमी के उपकरण इस्तेमाल होते सभी को जब्त। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।